What's up people and welcome back to our new video. So अभी हम आए सारे दोस्त वगैरह सारे वैष्णो देवी. So अभी तो हम डिनर भी कर लिए सारों ने, ऑलमोस्ट सभी ने कर लिया, लेकिन मैंने क्या क्योंकि मन खराब होता है यहाँ से चढ़ाई चढ़ते वक्त, तो मैं तो ऊपर जाके कहीं अगर कुछ खाने का मन किया तो करूँगा. और अभी आरती होगी क्योंकि 6:30 बज चुके हैं. हम घर से कोई 4 बजे निकले थे और 5:30 हम इधर पहुँच गए थे क्योंकि बस वाला बड़ा आराम से आ रहा था. तो अब फटाफट चलते हैं, सारे आधा ग्रुप पीछे है. और तू क्या कर रहा है बे? अपने उत्कर्ष भाई, मेरी सबसे पहला जो व्लॉग था इसके साथ आया था, अगर याद हो तो, मॉर्निंग वॉक वाला. लिंक में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज देख लेना. और ये भी हमारे सारे दोस्त हैं. सो अभी यहाँ से आए हैं, यहाँ से हमारा फर्स्ट व्लॉग होगा. यहाँ से मैं अभी 2 वीडियो बनाऊंगा, यहाँ से अधकुआरी तक और अधकुआरी से भवन तक के 2 व्लॉग्स होंगे. सो प्लीज आप पूरा देखना. सो आपसे मिलते हैं अब आगे. तो गाइस यहाँ से अभी एंट्री लेते हैं अंदर. पीछे पर्ची पहले टेस्ट होती है, वहाँ से पर्ची चेक होगी, उसके बाद ही एंट्री मिलती है यहाँ पर. और जिसने भी वैष्णो देवी आना है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ऑफलाइन पर्चियाँ नहीं मिल रही हैं, आपको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा पीछे बुकिंग. और आपके हाथ पे स्टैंप देंगे, मतलब स्टैंप लगाएंगे कि आप अप्रूव्ड हो यहाँ पर, जो इसके लग चुकी है क्योंकि इसने अपना नंबर चढ़ाया था, तो जिसका नंबर होगा उसको होगी. अब यहाँ से जो है सारी तलाशी होगी, मतलब चेकिंग होगी फुल प्रॉपर. हाँ, बैग वगैरह सारा, बैग की चेकिंग वगैरह सब होगी. गाइस अभी चेकिंग तो होगी, यहाँ पर शोर बड़ा है, आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी. शोर तो बहुत है यहाँ पर, रश भी पड़ा है. मेरे को लगा रश नहीं होएगा क्योंकि ऑफ सीजन है, इतना रश नहीं होना चाहिए अभी यहाँ पर. यहाँ पर इतना मतलब है, ठीक है, नॉर्मल रश है. जो भी है प्लीज अपना कोविड टेस्ट एक जरूर करवा कर आना, और ऑनलाइन पर्ची याद से क्योंकि ऑफलाइन यहाँ पर नहीं बनेगी. तो गाइस अब करते हैं अपनी प्रॉपर जर्नी स्टार्ट. अभी तो हम बालगंगा हैं, बालगंगा से हम जाएंगे अधकुआरी. होएगा ना पहला हमारा आधा रास्ता अधकुआरी, अधकुआरी आधा रास्ता कंप्लीट है ना. अब हमको बोलते हैं हम आ गए अंदर अंदर आ गए अंदर तो आ गए भाई अंदर. कब से बालगंगा ऊपर चलते रहेंगे जैसे जैसे होएगा. बालगंगा में ढोल वाला पहली बार आवाज आ रही है. गाइस अभी लिया है यहाँ पे एक चाय का ब्रेक. पीछे जाके मैं आगे निकल आया था, मेरे को भी इन्होंने बाद में इन महाराज की तबीयत खराब हुई थी. कैमरा नीचे कर, हाँ अपना कैमरा नीचे कर. बंदे को चक्कर आ गए हुए थे, हालत इसने अपनी इतनी खराब की हुई थी. पीछे मैं 1 घंटे से यहाँ पर ऊपर बैठा हूँ और ये महाराज नीचे थे, इनकी तबीयत इतनी खराब हुई. और मेरे उन्होंने अभी की तबीयत खराब थी और इनको इतनी शर्म नहीं है. और अपनी दवाई भी लाना भूला हुआ पड़ा हुआ था ये, और इन्होंने मुझे बिगाड़ा है. पहली बार ही मिले ना यहाँ पर दोस्ती में आई दरार. दोस्ती में दरार फटती हुई किया मना कि पहली बार मिले हैं. हमें बैठे अपने उत्कर्ष भाई, देखिए अपने कपल भाई, कपल कपल बैठा बाहर. ज़ूम करो कपल, पता नहीं क्या बातें हो रही हैं कि कुछ प्राइवेट बातें, कुछ सर कुछ सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट बातें चल रही हैं, पता नहीं. उत्कर्ष भी हमको भी बता दो अपनी प्राइवेट बात. तो अभी करते हैं यहाँ पर चाय अपनी ख़त्म, जो ली हुई है मैंने तो अपनी ऑलमोस्ट कर दी है, लेकिन इन सारों ने ली है. फटाफट चाय ख़त्म करते हैं फिर ऊपर चलते हैं क्योंकि 8 बज गए. हमने 7 बजे चढ़ना शुरू किया था ना, 6:30 बजे चढ़ना शुरू किया था, और अभी तक हमने सिर्फ बालगंगा क्रॉस की है. और अगर मैं यहाँ पर अकेले आया होता अभी तक मैं अधकुआरी में बैठा होता. नहीं चाय तो पी ली, अभी सारे निकले, इनको उठाया, उठ ही नहीं रहे थे इनमें से कोई भी. पकड़ अपना, मेरे को फॉलो कर, पकड़ इसको, निकाल निकाल इसको. तो जा रहे हैं अभी, देखते हैं, हालत खराब है. ओ अब कुछ भी करके ना रुकना नहीं यार, ज्यादा देर. ओ 2 मिनट चलते नहीं है, वहां पर पीछे रुक जाते हैं. ओए चलो यार, अब भाई ये रुकते रहे, मैं तो चलूंगा थोड़ा तेज क्योंकि 10 बजे तक ऊपर पहुंचना है.
अगर ऊपर नहीं पहुंचे तो वहां पर डॉर्मेट्री रूम वगैरह कुछ नहीं मिलता, क्योंकि टाइमिंग होती है 10 से सुबह के 10 बजे तक, मतलब 12 घंटे के लिए बुकिंग होती है उसकी। तो कुछ भी करके अगर 11-12 भी बजते हैं तो भी 50% चांस होता है कि हमको मिल जाए, लेकिन 12 से लेट हो गया तो कांड रहेगा। फाइनली चरण पादुका भी क्रॉस हो गया अब ऊपर तेज़ी से, अब मैं तो बाकियों को भी लेकर आ रहा हूँ पीछे कि थोड़ा तेज़ चलो। ये है यहाँ की, अब चरण पादुका से जैसे ही आप थोड़ा ऊपर आते हो यहाँ पर आपको जैसी मतलब खाने पीने का सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और एक बात और ध्यान से कि जब भी आप वैष्णो देवी आए सीढ़ियाँ कभी नहीं लेना, क्योंकि सीढ़ियों से आपकी एनर्जी जो होती है काफ़ी सारी जो है सीढ़ियों पर ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है वो तो मतलब 10-15 सीढ़ियाँ चढ़ेगा और एनर्जी उसकी ख़त्म। जो रेगुलरली हर 3rd-4th महीने आते हैं उनके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद रहता है, लेकिन जो काफ़ी टाइम के बाद आ रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज़ अगर आए तो प्लीज़ इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना। वैसे अभी काफ़ी ऊपर आ गए हैं, आधा ग्रुप तो वहाँ से 3-4 जो लड़के थे वो तो चले गए सीढ़ियों से, वो उनको था कि हमने सीढ़ियों से ही जाना है, बोला बड़ा कि चलते हैं साथ में ही, नहीं माने। लेकिन बिया को भी पता है क्योंकि वो भी यहाँ पर आते रहते हैं कि सीढ़ियों से जाना मतलब टांगों को बड़ा कष्ट मिलता है जाने से। सो अभी थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करूँगा, फिर उसके बाद 2-3 मिनट, फिर उसके बाद दोबारा से ऊपर चढ़ेंगे। अब देखते हैं, अभी तो हमने सिर्फ आधा रास्ता क्रॉस किया है तो अभी तो अर्धकुंवारी पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा। सो बाय बाय। हम बालिका रेस्टोरेंट के बाहर बैठे हैं, बाकी पता नहीं कहाँ पर है, वो कह रहे हैं अर्धकुंवारी से थोड़ा पीछे है, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि हम चढ़ाई चढ़ के आए थे वो सीढ़ियों से, क्योंकि सीढ़ियों में टाइम लगता है। और पता नहीं कहाँ पर था, सीढ़ियों में जल्दी पहुँचते नहीं, सीढ़ियों पर थोड़ा टाइम लगता है। तो अब पता नहीं, वो कोई कह रहा है अर्धकुंवारी के आगे, कोई कह रहा है पीछे है, तो अब पता नहीं, देखते हैं। बालिका रेस्टोरेंट ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से ऊपर की तरफ, चलो यार एक बार फिर फ़ोन में ला के देख लेना कहाँ पर गए, अभी तो फटाफट चलते हैं ऊपर हम। तो भाई फाइनली अर्धकुंवारी हम पहुँच चुके हैं, और सबसे पहले हम पहुँचे जैसा मैंने बोला था कि सबसे पहले हम ही पहुँचेंगे, क्योंकि सीढ़ियों का रास्ता मैं अभी भी बोलता हूँ बहुत गंदा होता है, क्योंकि उसमें हालत ख़राब हो जाती है। और भैया को देखो इतने साल लेटे हैं, भैया फुल मौज में लेटे हुए हैं अभी, भैया कह रहे मैं थका थका नहीं हूँ, फिर भी कह रहे लेटना है, मैंने कह रहे नींद आ रही है। अब बाकी के ग्रुप का वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आ रहे हैं वो। वो अभी तो नीचे ही फंसे हुए हैं कहीं पर, कॉल किया लेकिन कॉल उठाया उन्होंने नहीं, कॉल उठाया कह रहे आ रहे थोड़ी देर में ऊपर तक, तब तक हम करेंगे यहाँ पर रेस्ट। आफ्टर 1 घंटे के बाद, आफ्टर 1 आवर दे मिले हमको, 1 घंटे के बाद आए ये ऊपर रामी साले। कसम से शॉपिंग इनको अक्कल ही नहीं है, हम 1 घंटे के सवान होके पहुंचे हुए हैं हम यहाँ पर। उत्कर्ष कैसा सीढ़ियों का एक्सपीरियंस कैसा रहा पहले ये बताओ। जब से ये ऊपर खड़े हैं तब तक सोए थे, तुम्हारा बेड़ा करके जाए चलो। ये देखो आलस खोर सारे जैकेट वाले सारे मेरे पल्ले।